जहाँ पे नक्सलवाद बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। जैसे ये दृश्य खतरनाक लग रहा है, किस तरह का ये धान कूटने वाला मिल रखा है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ मधु और आप देख रहे हैं मधु डेयर ब्लॉग। तो आज हम आपको एक हट के वीडियो दिखाने वाले हैं। आज हम जाने वाले हैं झारखंड का एक ऐसा छोटा सा शहर जिसका नाम है मनहरपुर। तो आज हम आपको मनहरपुर का चौक चौराहा का वीडियो दिखाने वाले हैं हम आज। और जो मनहरपुर का अगल बगल क्या क्या है रोड साइड, या मनहरपुर पहुंचने से पहले या मनहरपुर पहुंचने के पास या रेलवे स्टेशन या रेलवे फाटक, सारा चीज आज हम कवर करने वाले हैं। ऐसे चलते चलते वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप देखिएगा, छोटा छोटा क्लिप बना के डालेंगे और वही क्लिप ही आप लोग को अच्छा लगेगा। तो बने रहिएगा मेरा वीडियो में और आप लोग को लेके चलते हैं हम मनहरपुर। ये है कौन सा बॉर्डर, इधर जाता है बानो, इधर जाता है रांची और ये क्यों है, ये है मनहरपुर। हम लोग अभी बॉर्डर में खड़े हैं। ये देख लीजिए मेरा कैमरा तो, अरे मनहरपुर जाने ले पैसा के धैर तो आगे, अरे के मुके दे एक नंबर। मनहरपुर जाने समय का देखिए हम लोग का ये है पेट पूजा, क्या है ये खरबूजा कर लेता है। देखिए अभी हम लोग आए हैं मनहरपुर, तो कितना अच्छा धूप के लिए बना दिया है घड़ा, इसमें पानी पी सकते हैं। मनहरपुर का सबसे घना जंगल, ऐसे लग रहा है कि हम लोग सरंडा जंगल में आए हैं। बहुत बड़ा बड़ा सखुआ पेड़ है, देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा, और बहुत अच्छा लग रहा है इसे। खतरनाक लग रहा है, यहाँ बच्चा पार्टी लोग भी नहा रहा है, पानी सूख गया है, साथ में आइएगा तो बहुत मजा आएगा। क्या सुंदर घर है, एक ही कलर का पेंटिंग, आप बता सकते हैं क्या है, एक कलर में पूरा पेंट है, वो तो नहीं लग रहा है ये क्या है, लेकिन होगा कोई स्कूल कॉलेज ही होगा। रेलवे फाटक आप देख लेंगे, यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पार जरूर होइएगा, इधर बहुत अच्छा अच्छा दृश्य है देखने के लिए। बीजेपी का है पूरा बड़ा। घूमते घूमते मनहरपुर में एक होटल मिला है, इसमें आप पेट पूजा करना पड़ेगा यानी चावल खाना पड़ेगा, यहाँ मिल रहा है। यहाँ देख सकते हैं रसगुल्ला भी खा सकते हैं, बहुत मस्त मस्त रसगुल्ला मिला है। और इधर इडली कचौड़ी समोसा जलेबी भाभरा, ये देखिए बिला है चावल, ये है परवल आलू का सब्जी, आलू का भुजिया, और ये है आम का चटनी। धूप का समय है, आम का चटनी खाने से पेट ठंडा रहता है। यहाँ होटल खाना खाने के बाद आप लोग निकल रहे हैं, जब भी आइएगा चंपा बिहारी होटल में घुसिएगा और खा लीजिएगा खाना, अच्छा खाना मिलता है। अच्छा इधर रेलवे स्टेशन है ना आगे मनहरपुर का, अच्छा लस्सी भी मिलता है, धूप कालीन में लस्सी मिलेगा, पीने से बहुत मजा आएगा। ये है देख सकते हैं कुछ इस तरह का मनहरपुर का नज़ारा। इधर भी बड़े बड़े दुकान हैं, आगे रोड भी है। हम लोग का चार्ज खत्म हो जाता है बार बार, तो आज हम लोग अभी पावर बैंक लेने जा रहे हैं, देखते हैं कौन सा मिलता है। रियलमी का, हाँ रेडमी का भी ठीक रहता है। 2400 दुकान रेट तो थोड़ा कम ही रहता है ना बच्चों। ये देखिए मनहरपुर का लोकेशन, गली गली देख सकते हैं कैसे यहाँ पे रोड किनारे बिल्डिंग ही है, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है।
समझ सकते हैं, डेवलप तो हुआ है यार पंढरपुर का, ऐसे नहीं है। अभी देखिए मौसम भी खराब कर रहे हैं, बहुत हार्ड वाला पानी आएगा, लेकिन आप लोग को हम लोग ना पानी में भिंग भिंग के दिखाएंगे, लेकिन दिखाएंगे जरूर। अभी हम लोग पंढरपुर में हैं, लेकिन ये बारिश की वजह से हम लोग फंस गए हैं, तो जल्दी प्रार्थना करिए कि पानी जल्द से जल्द छूट जाए, ताकि हम लोग पंढरपुर से निकल रहे। हम लोग को जाना है सोदे, एक घंटा समय लगेगा। देखिए रोड साइड में किस तरह का ये धान कूटने वाला मिल रखा है, मतलब समझ सकते हैं दिमाग कैसा है। और हम लोग के तरफ झारखंड में इस तरह का खुला छोड़ देंगे तो जल्दी से जल्दी चुरा लेगा, कोई उखाड़ के ले जाएगा, या तो आग लगा देगा या ऐसे मशीन में। मतलब आप देख रहे हैं कि कितना भयानक बारिश हो रही है। और आपको हम जानकारी के लिए बता दें, पंढरपुर का हम लोग ऐसे जगह में अभी फंसे हुए हैं जहाँ पे नक्सलवाद बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। जैसे आज सुबह का एक कहानी बता रहे हैं, कहानी नहीं है, सही सच्चाई घटना है। ये जो पेड़ दिख रहा है आपका बरगद पेड़, इसी बरगद पेड़ में पोस्टर चिपकाया गया था नक्सलवादों के द्वारा। और हम लोग यही बरगद पेड़ के बगल में खड़े हैं, तो हम लोगों को कितना भयानक डर लग रहा है। और बगल में बिजली भी बहुत ज़्यादा कड़क रहा है, तो हम लोग यही बगल में खड़े हुए हैं और बहुत हम लोग को डर लग रहा है। हम लोग का डर के मारे चूर चूर हो जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं हम लोग को कितना भयानक डर लग रहा है, क्योंकि यही पास में एक जंगल, घना जंगल जो आप देख पा रहे हैं, वही है नक्सलवाद क्षेत्र का इलाका, और हम लोग जस्ट उसी का सामने में है खड़े हैं, तो हम लोग को कितना डर लग रहा होगा। ये देखिए पानी पंढरपुर में है हम लोग, और पूरा भयानक जोरों से बारिश हुआ है, और पूरा रोड में देख रहे हैं कैसे पानी का जमाव हो गया है। ये रोड का साइड में पानी, लहरों का ऐसे लग रहा है कि नदी भर जाएगा, मछली तैरने लगेगा रोड में। बहुत खतरनाक, बहुत खतरों से खतरनाक पानी। अरे तेरी का, हीरा नहीं चल सकता है, ये भी नहीं है, पानी ही पानी रोड में पूरा। आपको बहुत धूप के वजह से फड़फड़ा रहा था, लेकिन घर बहुत खतरनाक, शानदार घर यार, ये बहुत भयानक मस्त दिख रहा है घर। ये क्या है, ये क्या है, ये पूरा है, पुआल घुसा दीजिए पूरा एकदम। रेलवे फाटक बंद है, ट्रेन आने का इंतजार में है सब कोई, मैं और तू हो रहा है लेकिन सब कोई अनुशासन ही बरत रहा है, नहीं तो और जगह में हम देखे हैं कि लोग नीचे से भी पार हो जाता है, साइकिल तो क्या, मोटरसाइकिल को भी टेढ़ा करके पार कर देता है, लेकिन यहाँ सब कोई मजे से है। पूरा भयानक है, ये फाटक है पंढरपुर का, बहुत ज़्यादा भीड़ लग रहा है, दोनों तरफ से आर पार हो रहा है।